नमस्कार स्टूडेंट्स आई एम दिशा पमेचा योर बायोलॉजी मेंटर और आज मैं आपके पास लेकर आई हूँ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बायोलॉजिकल क्लासिफ़िकेशन होता क्या है और हमें ये पढ़ना क्यों है सो बायोलॉजिकल क्लासिफ़िकेशन का जो चैप्टर है वो आपकी बायोलॉजी का बेस फॉर्म करेगा कैसे ऑर्गेनिज़म्स को आप सेग्रीगेट करेंगे कैसे उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान पाएंगे उनके बारे में समझ पाएंगे ये मदद करेगा आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे दैट इस चैप्टर में बहुत सारे फैक्ट्स हैं बहुत सारा डेटा है जो आपको साथ ही साथ में याद करना रहेगा इसलिए इस चैप्टर को मैं एक स्टोरी के फॉर्म में बनाऊँगी राइट जब आप स्टोरी के फॉर्म में उसको सुनेंगे तो आपके लिए वो याद करना बहुत आसान हो जाएगा और आपके लिए नोट्स बनाना बहुत आसान हो जाएगा तो मेरे साथ साथ में ही नोट्स बनाते जाइए और चैप्टर को याद करते जाइए तो शुरू करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि बायोलॉजिकल क्लासिफ़िकेशन होता क्या है राइट बायोलॉजिकल क्लासिफ़िकेशन में दो टर्म्स हैं क्या टर्म्स हैं पहला टर्म है बायोलॉजिकल या फिर हम उसको बोल सकते हैं बायोलॉजी राइट व्हाट इज बायोलॉजी बायोलॉजी होती क्या है बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स मतलब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स या जीव जंतुओं के बारे में पढ़ने वाले हैं किसके बारे में पढ़ने वाले हैं जीव जंतुओं के बारे में दूसरा टर्म है हमारे पास क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन मतलब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जीव जंतुओं को क्लासिफाई करने वाले हैं कैसे क्लासिफाई करने वाले हैं उनके क्या फ़ीचर्स हैं क्या इंटरनल फीचर्स हैं क्या एक्सटर्नल फ़ीचर्स हैं वो कैसे दिखते हैं कैसे खाते हैं कैसे पीते हैं कैसे सांस लेते हैं कहाँ वो रहते हैं इन सारे फीचर्स पे हम उनको डिवाइड करने वाले हैं किसमें उनके ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में और उन ग्रुप्स को और सब ग्रुप्स को हम हायरिकली उनकी रैंक के अकॉर्डिंग उनको अरेंज भी करेंगे सो दैट इज़ नोन एज क्लासिफिकेशन जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स को उनकी सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ के अकॉर्डिंग ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में क्या करेंगे क्लासिफाई करेंगे तो एक साइंटिफिक डेफिनेशन हम देख लेते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की कि वो क्या है द साइंटिफिक प्रोसीजर ऑफ ग्रुपिंग टुगेदर वेरियस ऑर्गेनिजम्स हमने वेरियस क्यों लिखा है यहाँ पे वेरियस हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे प्लानट अर्थ पे ढेरों ऑर्गेनिजम्स हैं मिलियंस बिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं देर काउंटलेस ऑर्गेनिजम्स और हम उनको कैसे सेग्रीगेट करें उनकी हैबिट के बेसिस पे हैबिटाट के बेसिस पे फूड हैबिट्स के बेसिस पे डेवलपमेंट के बेसिस पे रिप्रोडक्शन के बेसिस पे कैसे हम उनको अलग अलग ग्रुप्स में डाल सकते हैं तो आइए देखते हैं द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग टुगेदर वेरियस ऑर्गेनिजम्स डिपेंडिंग ऑन देयर सिमिलैरिटीज़ क्या क्या उनमें समानता है डिसिमिलैरिटीज़ क्या क्या उनमें भिन्न है एक दूसरे से एंड फाइलोजेनेटिक डिस फाइलोजेनेटिक डिस क्या होता है अगर आपने ये टर्म पढ़ा हो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मतलब कोई भी दो ऑर्गेनिजम्स या दो से ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स कैसे कनेक्टिड हैं वो हम देखते हैं किसके थ्रू एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के थ्रू किसके थ्रू एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के थ्रू तो बायोलॉजिकल क्लासिफ़िकेशन हमें मदद करता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिज़म्स एंड इससे हमें क्या पता चलेगा या इससे हम क्या डिड्यूस करेंगे कि कैसे दो ऑर्गेनिज़म्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं क्या उनका जो एंसेस्टर है वो कॉमन है या फिर क्या उनका एंसेस्टर डिफरेंट है सो दिस इज नोन एज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन द साइंटिफिक प्रोसीजर ऑफ अरेंजिंग ऑर्गेनिजम्स इन टू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स डिपेंडिंग ऑन देयर सिमिलैरिटीज डिसिमिलैरिटीज़ एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स एंड अरेंजिंग ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स इन अर मैनर ठीक है ये हो गया हमारा बायोलॉजिकल क्लासीफिकेशन अब हम देखते हैं कि बायोलॉजिकल क्लासीफिकेशन कैसे कैसे कर सकते हैं ठीक है सो कुछ साइंटिस्ट थे उन्होंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करने की कोशिश करी और उन्होंने क्या किया उनको सिस्टम्स में डिवाइड कर दिया राइट तो आज हम तीन सिस्टम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के राइट right? जिसमें से आपका पहला सिस्टम है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ़ क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या होता है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में वन या टू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स चूज़ करे जाते हैं एक ऑर्गेनिज्म के ठीक है कैसे करे जाते हैं ये देख लेते हैं अब भाई इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में साइंटिस्ट ने क्या किया उन्होंने देखा सिर्फ ऑर्गेनिज्म का एक्सटीरियर एक्सटर्नल फीचर्स देखे उन्होंने और उस बेसिस पे उन्होंने ऑर्गेनिज़म्स को कुछ ग्रुप्स में रख दिया ठीक है दे यूज़ हैबिट एंड हैबिटेट फॉर दिस पर्पज़ क्या उनकी आदतें हैं कैसे वो रहते हैं खाते हैं पीते हैं और कहाँ वो रहते हैं जगह कहाँ है उनके रहने की क्या वो पानी में रहते हैं या ज़मीन पे रहते हैं या फिर वो हवा में उड़ते हैं देख लेते हैं आगे कि किस किसने कैसे क्लासिफिकेशन दिया है सबसे पहला क्लासिफिकेशन दिया गया था एरिस्टोटल के द्वारा एरिस्टोटल ने थ्री फिफ्टी में ऑर्गेनिज़म्स को या लाइफ को उनके एक्सटर्नल फीचर्स या उनके मॉर्फोलॉजिकल फ़ीचर्स के हिसाब से दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया था किस में प्लांट्स एंड एनिमल्स में ठीक है अब फर्दर उन्होंने इनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया प्लांट्स में उन्होंने देखा कि कुछ प्लांट्स दिखने में एक्सटर्नली या मॉर्फोलॉजिकली बहुत छोटे दिखते हैं तो उन्होंने उनको स्मॉल प्लांट्स के ग्रुप में रख दिया फिर उन्होंने देखा कि कुछ प्लांट्स थोड़े मीडियम साइज के हैं बट वो बुशी भी हैं तो उन्होंने उसको मीडियम एंड बुशी में रख दिया ठीक है फिर उन्होंने देखा कि कुछ प्लांट्स बड़े हैं दे आर ह्यूज दे आर बिग राइट तो उन्होंने उनको बिग प्लांट्स में या लार्ज प्लांट्स में रख दिया ठीक है आइए देखते हैं कैसे रखा एरिस्टोटल ने ऑर्गेनिजम्स को किसको ऑर्गेनिज़म्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया प्लांट्स में और एनिमल्स में राइट right? प्लांट्स में उन्होंने बोला कि कुछ प्लांट्स कैसे हैं स्मॉल हैं कुछ प्लांट्स कैसे हैं स्मॉल हैं राइट कुछ फिर कुछ प्लांट्स कैसे हैं मीडियम हैं कुछ प्लांट्स मीडियम हैं और कुछ प्लांट्स लार्ज हैं और फिर उनको टर्म्स दे दिए तो स्मॉल प्लांट्स को उन्होंने बोला हर्ब्स मीडियम एंड बुशी प्लांट्स को उन्होंने बोला श्रब्स एंड लार्ज प्लांट्स को उन्होंने क्या बोला ट्रीज तो ऐसे उन्होंने प्लांट्स को सेग्रीगेट कर दिया अब हम बात करते हैं एनिमल्स की तो उन्होंने देखा कि कुछ एनिमल्स में ब्लड जो है हमारे रेड ब्लड सेल्स जो हैं जो एरेथ्रोसाइट्स हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स में या कुछ एनिमल्स में वो रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट हैं और कुछ ऑर्गेनिजम्स में वो रेड ब्लड सेल्स एबसेंट हैं तो इस बेसिस पे कि किस ऑर्गेनिज्म में या किस एनिमल में स्पेसिफिकली रेड ब्लड सेल एबसेंट है और रेड ब्लड सेल प्रेजेंट है इस बेसिस पे उन्होंने एनिमल्स को डिवाइड कर दिया दो ग्रुप्स में फिर से या सब ग्रुप्स बोल लेंगे ए नाइमा ए नाइमा कौन से होते हैं जिसमें आर रेड ब्लड सेल्स एबसेंट होंगे ई e नाइमा जिसमें आर या रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट होंगे ये उन्होंने दो सब ग्रुप्स बना दिए अब हम याद कैसे रखेंगे इसको अगर आपको ये दिख रहा हो ए नाइमा इन दोनों टर्म्स में ए और ई e का डिफरेंस है तो जब भी बायोलॉजी में किसी भी वर्ड के आगे या किसी भी टर्म के आगे ए लग जाता है तो उसका मतलब होता है एबसेंस क्या मतलब होता है उसका एबसेंस और यहां पे किस चीज़ की एबसेंस है एबसेंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स ठीक है तो जिन में रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट नहीं थे उनको एरिस्टोटल ने बोला एनाइमा जिनमें रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट थे उनको एरिस्टोटल ने बोला इनाइमा राइट right? अब एनिमल्स को एरिस्टोटल ने फर्दर डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ देर हैबिटेट वो रहते कहाँ हैं कैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स रहते हैं एयर में कुछ ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वाटर में और कुछ ऑर्गेनिजम्स रहते हैं लैंड में ठीक है अब हम इसको देख लेते हैं कि इसको उन्होंने कैसे सेग्रीगेट किया फर्दर राइट right. तो जो ऑर्गेनिजम्स एयर में रहते हैं वो क्या करेंगे फ्लाई उनकी हैबिट क्या होगी फ्लाइंग की जो वाटर में रहते हैं वो क्या करेंगे स्विम और जो लैंड पे रहते हैं दोज ऑन लैंड वो क्या करेंगे वॉक राइट right? तो फ्लाई में उन्होंने बोला कौन कौन आ जाएंगे बैट्स बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स जो सब उड़ते हैं वो यहाँ आ जाएंगे स्विमिंग में कौन करते हैं स्विमिंग कौन रहते हैं वाटर में फिशेस। वॉक कौन करता है लैंड के ऊपर कौन रहते हैं रेप्टाइल्स रहते हैं कैटल रहता है कैटल्स रहते, रहते, रहते हैं ना बफेलोस राइट? सो so ये हमारे कैटल में आ गए ये तो हमारे थे फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बेसिस पे क्लासीफाई करा था ऑर्गेनिजम्स को दूसरे आते हैं हमारे साइंटिस्ट प्लिनी ठीक है इन्होंने क्या किया इन्होंने देखा एनिमल्स कुछ एनिमल्स उड़ते हैं कुछ एनिमल्स नहीं उड़ पाते हैं राइट right? तो उन्होंने एनिमल्स को डिवाइड कर दिया दो ग्रुप्स में जो नहीं उड़ पाते और जो उड़ पाते हैं नॉन फ्लाइट एनिमल्स एंड फ्लाइट एनिमल्स तो नॉन फ्लाइट एनिमल्स कौन से हो गए एनिमल्स हु कैन नॉट हु हुट फ्लाई हू कांट फ्लाई और फ्लाइट एनिमल्स कौन से हो गए एनिमल्स हु फ्लाई एनिमल्स हु फ्लाई राइट तो इन्होंने एरिस्टोटल की तरह सारे ऑर्गेनिज्म सारे एनिमल्स जो कि फ्लाई करते हैं जैसे मैंने अभी पिछली स्लाइड में भी बताया बैट्स इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स इन सब को एक ही ग्रुप में रख दिया ठीक है ये था दूसरा सिस्टम आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन तीसरा हम एक और देख रहे हैं हमारे एक बहुत फेमस साइंटिस्ट थे कार्लस लिनियस उन्होंने भी क्लासिफिकेशन किया आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को यूज़ करते हुए इन्होंने क्या किया प्लांट्स का क्लासिफिकेशन किया किसका क्लासिफिकेशन किया प्लांट्स का क्लासिफिकेशन किया अब भाई प्लांट्स का क्लासिफिकेशन इन्होंने कैसे किया इन्होंने उसमें देखा प्लांट्स में कि उसमें कितने नंबर ऑफ सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं सो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेक्स ऑर्गन्स लिनियस ने प्लांट्स को 24 क्लासेस में कितनी क्लासेस में 24 क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया फॉर एग्जांपल मोन जिसमें एक स्टेमन प्रेजेंट हो डायाड्रिया जिसमें दो स्टेम प्रेजेंट हो स्टेमस क्या होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन राइट एंड पॉली जिसमें बहुत सारे मल्टीपल स्टेमेंस प्रेजेंट हो एटसेट्रा इन्होंने देखा मोनो एशिया भी होता है डाई भी होता है क्रिप्टोगिया भी होता है राइट ऐसे बहुत सारे इन्होंने क्लासेस बनाए और किस बेसिस पे बनाए कि उस प्लांट में कितने नंबर ऑफ सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हैं अगेन एन एक्सटर्नल फीचर क्योंकि प्लांट्स में तो उनके ऑर्गन्स एक्सटर्नल होते हैं सारे तो उन्होंने बस एक्सटर्नली देखा और प्लांट्स को 24 क्लासेस में डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ऑफ सेक्स ऑर्गन्स ठीक है अब ये तीन क्लासिफिकेशन तो भाई हमने पढ़ लिए, बट आज हमें पता है कि ये क्लासिफिकेशन यूज़ नहीं होते तो क्यों यूज नहीं होते और व्हाट आर द रीजन्स ऑफ दिस सिस्टम्स रिजेक्शन क्यों ये आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन रिजेक्ट हो गया क्योंकि इसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे तो आइए ड्रॉबैक्स देखते हैं हम अब आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के ड्रॉबैक्स क्या थे सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था डेट इट वाज़ बेस्ड ऑन कन्वर्जेंस कन्वर्जेंस का क्या मतलब होता है कन्वर्जेंस का मतलब होता है कुछ डिस्टेंटली डिस्टेंटली प्लेस्ड ऑर्गेनिजम्स हैं और उन्होंने कुछ ऐसे फीचर्स इवॉल्व कर लिए हैं या उन्होंने कुछ ऐसे फीचर्स बना लिए हैं अपने अंदर जो उनको सिमिलर कंडीशंस में रहने के लिए मदद करते हैं मींस फ्रॉम डिस्टेंस दे हैव कम टू अ कॉमन पॉइंट राइट दिस इज नोन एज कन्वर्जेंस सो जो हमारा आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था दैट वाज़ बेस्ड ऑन कन्वर्जेंस बट इट डिड नॉट फॉलो होमोलॉजी बट ये होमोलॉजी फॉलो नहीं करता था वॉट इज होमोलॉजी होमोलॉजी एक रिलेशनशिप होता है बिटवीन द कम्पेरेबल स्ट्रक्चर्स दैट डिराइव्ड फ्रॉम कॉमन फॉर्म्स राइट हमारे कॉमन एंसेस्टर्स जो हैं उनसे हमने जो स्ट्रक्चर्स डिराइव किए हैं या इनहेरिट किए हैं उनके बीच में क्या क्या रिलेशनशिप है बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स दैट इज नोन एज होमोलॉजी राइट इस पर आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस नहीं था थर्ड जो कैरेक्टर्स या जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हमने चूज किए थे आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन करने में वो कैरेक्टर्स इन्वायरमेंट के साथ चेंज हो रहे थे दे वर नॉट कॉन्स्टेंट फॉर एग्जाम्पल ऐसे कौन से कैरेक्टर्स हैं जो कि चेंज हो रहे थे ऑर्गेनिजम्स इन्वायरमेंट uh, में चेंज के साथ में ये भी देख लेते हैं हम राइट सो वन वॉज एनुअल एंड बाइनियल है ठीक है इस बेसिस पे भी क्लासीफिकेशन किया गया था दूसरा साइज ऑफ लीवस साइज ऑफ लीवस इस बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन किया गया था तो ये जो कैरेक्टर्स है ये जो इन्वायरमेंट के साथ में चेंज होते जाते हैं आप इसके बेसिस पे कैसे क्लासिफिकेशन कर सकते हो नहीं कर सकते द अदर ड्रॉबैक वॉज दैट द ऑर्गेनिजम्स विद डिफरेंट अफिनेटीज़ वर प्लेस्ड इन कॉमन ग्रुप्स जैसे आपने देखा क्या देखा आपने अभी हमने कहाँ देखा कि जो फ्लाइट एनिमल्स थे क्या थे जो जो फ्लाइट एनिमल्स दिए थे प्लिनी ने उसमें किन किन को साथ में रख दिया था बैट्स को इंसेक्ट्स को और बर्ड्स को ठीक है दीज आर एप्सोल्यूटली अनरिलेटेड ऑर्गेनिजम्स और इनको उनकी हैबिट के अकॉर्डिंग एक ही जगह प्लेस कर दिया ऐसे ही प्लांट्स के साथ भी हुआ कौन से प्लांट्स के साथ में सक्युलेंट प्लांट्स का एक ग्रुप बनाया गया और सक्यूलेंट प्लांट्स में क्या क्या रख दिया गया तीन तरीके के प्लांट्स को रख दिया गया

लिनियस ने क्या किया था कैसे दिया था क्लासिफिकेशन प्लांट्स का नंबर ऑफ सेक्स ऑर्गन्स पे तो उन्होंने एक बनाया ग्रुप जिसको उन्होंने नाम रखा मोन एंड्रिया मतलब जिसमें सिंगल स्टेमेंट्स है अब इसमें इन्होंने क्या किया इसमें इन्होंने मोनोकॉट्स को भी रख दिया और किसको रख दिया डाइकॉट्स को भी रख दिया अगेन टू वेरी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स और टू वेरी डिफरेंट प्लांट टाइप्स केप्ट अंडर दी कॉमन ग्रुप सो दिस इज़ वेरी wrong दिस इज वन ऑफ द मेजर reasons फॉर रिजेक्शन ऑफ आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ classification राइट चलिए नेक्स्ट देखते हैं There was नो क्लियर कट evolutionary रिलेशनशिप डिपिक्शन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में तो भाई बात ही नहीं हुई आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में कि भाई कैसे ऑर्गेनिजम्स के बीच में एवोल्यूशनरी ब्रिज बन रहा है या वो कैसे एवोल्यूशन के बेसिस पे एक दूसरे से कनेक्टेड है दे डू नॉट रिफ्लेक्ट एनी नेचुरल रिलेशनशिप्स अमंग डिफरेंट टैक्सा कोई डिफरेंट टैक्सा के बीच में कनेक्शन हमें दिखाया नहीं गया और सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था दैट ओनली वन और टू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स वर यूज सिर्फ एक या दो कैरेक्टर्स के बेसिस पे वो भी एक्सटर्नल कैरेक्टर्स के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया गया था या ग्रुप करा गया था या सब ग्रुप करा गया था तो ये कुछ रीजन्स थे जिसकी वजह से हमारा आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन रिजेक्ट हो गया था अब अगर ये रिजेक्ट हो गया तो किसी और सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को आना पड़ेगा तो जब नेक्स्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया था वो था हमारा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब हम ये पढ़ेंगे कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कैसे बेटर था आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से तो पहले इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की जो सबसे बढ़िया बात थी वो ये थी दैट इट यूज्ड और इट यूज्ड अ लॉट ऑफ बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फीचर्स टू ग्रुप दी ऑर्गेनिजम्स राइट देख लेते हैं नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स आर कंसिडर्ड टू ब्रिंग आउट नेचुरल सिमिलैरिटीज एंड डिसमिलैरिटीज विदिन दी ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे आर्टिफिशियल सिस्टम के हिसाब से एक या दो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स नहीं बल्कि बहुत सारे कैरेक्टर्स को यूज़ किया जाता था या स्टडी किया जाता था और वो कैरेक्टर्स सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल या एक्सटर्नल फ़ीचर्स नहीं थे बल्कि देवर बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ़ीचर्स के कॉम्बिनेशन को स्टडी किया जाता था और फिर ऑर्गेनिज़म्स को ग्रुप किया जाता था ठीक है दिस नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डिस्प्लेड नेचुरल रिलेशनशिप अमंग जो ड्रॉबैक था आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में कि उसमें कोई क्लियर कट एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप नहीं दिखाया गया था या कोई भी नेचुरल रिलेशनशिप के बारे में बात नहीं हुई थी ठीक है तीसरी चीज है एम्प्लॉयज कैरेक्टर्स दैट आर कॉन्स्टेंट हमने क्या पढ़ा था आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में कि उन्होंने ऐसे कैरेक्टर्स को यूज़ किया या ऐसे कैरेक्टर्स को स्टडी किया जो चेंजिंग इन्वामेंट के साथ ऑल्टर हो जाते थे लेकिन नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या किया गया ऐसे कैरेक्टर्स या फ़ीचर्स को स्टडी किया गया जो कि इन्वायरमेंट के साथ चेंज नहीं हो रहे थे राधा दे रिमेंड कॉन्स्टेंट तो आइए देख लेते हैं ऐसे कौन से फ़ीचर्स थे सो अलॉट ऑफ देवर अ लॉट ऑफ कैरेक्टर्स दैट वर इन्वॉल्व जैसे कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स कैसे होते हैं कि ऑर्गेनिज्म दिखता कैसा है एक्सटर्नली अनोटोमिकल कैरेक्टर्स फिजिजिकल कैरेक्टर्स एनाटोमिकल कैरेक्टर्स मीन्स हाउ इज़ द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म मेड अप राइट फिजिलॉजिकल कैरेक्टर्स वो कैसे अपनी डेली एक्टिविटी या डेली फंक्शनिंग करता है डेवलपमेंट वॉट आर द डेवलपमेंट स्टेज दैट अ ऑर्गेनिज्म गोज थ्रू राइट रिप्रोडक्शन वॉट काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्स राइट साइटोकेमिस्ट्री उसमें अगर कोई केमिकल्स प्रेजेंट हैं तो उनकी स्टडी भी होती थी कीमोटेक्सोनोमी भी होती थी एंड बायो केमिस्ट्री के बेसिस पे देवर सो मैनी फीचर्स दैट वर इन्वॉल्व इन दडी ऑफ नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पे राइट right. अब हम देख लेते हैं एक एग्जाम्पल कैसे ऑर्गेनिजम्स को सेग्रीगेट किया गया था ठीक है सो नाउ वी आर गोइंग टू सी दैट हाउ द ऑर्गेनिजम्स वर एक्चुअली सेग्रीगेटेड ऑन द बेसिस ऑफ दीज कैरेक्टर्स ठीक है हम एग्जाम्पल देखेंगे कुछ ऑर्गेनिजम्स का हम देखेंगे मैमल्स बर्ड्स एंड फिशेस के बीच का कंपैरिजन ठीक है मैमल बर्ड्स एंड फिशेस के बीच का कंपैरिजन हम देखेंगे चलिए आइए देखते हैं अब मैमल्स में हमने क्या देखा भाई मैमल्स में हेयर प्रेजेंट थे एक्सटर्नल बॉडी पे क्या प्रेजेंट थे हेयर प्रेजेंट थे जबकि बर्ड्स में क्या प्रेजेंट थे फेदर्स प्रेजेंट थे क्या प्रेजेंट थे फैदर्स प्रेजेंट थे और फिशेज में क्या प्रेजेंट थे स्केल्स प्रेजेंट थे फिशेज में क्या प्रेजेंट थे स्केल्स प्रेजेंट थे मैमल्स में लोकोमोशन के लिए या मूवमेंट के लिए लिम्स होते हैं जबकि बर्ड्स में फ्लाई करने के लिए विंग्स प्रेजेंट होते हैं एंड फिशेज में लिम्स आर नॉट प्रेजेंट फेदर्स भी नहीं होते क्या होते हैं स्विम करने के लिए फिन्स होते हैं क्या होते हैं फ्स होते हैं राइट मैमल्स मैम विवीप एनिमल मतलब देर एनिमल्स देर इज अ कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विद इन दर मदर की ही बॉडी में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है राइट ये विवी पेरस एनिमल्स हैं, ठीक है एंड गिव बर्थ टू अ कंप्लीट डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म एक बेबी पैदा होता है मैमल्स में ठीक है फॉर एग्जाम्पल जैसे काउ में काफ रिप्रोड्यूस रिप्रोडक्शन से काउज में काफ्स प्रोड्यूस होती हैं हम ह्यूम में बेबीज प्रोड्यूस होते हैं राइट जबकि बर्ड्स में क्या होती है ओवीपेरी बर्ड्स में क्या होती है ओवीपेरी दे ले एग्स जो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो होता है वो मदर के अंदर नहीं बाहर मदर एग ले कर देती है उसके अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है इट इज आउटसाइड द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो इज आउटसाइड द बॉडी ऑफ द मदर राइट देन मैमल्स में क्या होता है मैमल्स में अगर हम हार्ट की बात करें हाउ मेनी चेंबर्स डज द हार्ट है फोर चेंबर्स या फोर चेंड हार्ट बोल सकते हैं बर्ड्स में कितने चेंबर्ड हार्ट है फोर चेंबर्ड हार्ट राइट फोर चेंबर्ड हार्ट है जबकि फिशेज में कितने चेंबर्ड हार्ट है टू चेम्बर्ड हार्ट फिशेज हैव ओनली टू चेम्बर्ड हार्ट मैमल्स एंड बर्ड्स आर वॉर्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म राइट वॉट आर दे वॉर्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म अगेन बर्ड्स आर ऑल्सो वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स राइट फिशेज क्या है? दे आर कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म फिशिज आर कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म यहीं अगर हम बात करें आर की रेड ब्लड सेल्स की राइट right? तो जो मैमल्स हैं उनमें रेड ब्लड सेल्स क्या है डी न्यूक्लिएटेड न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट न्यूक्लियस इज एप्सेंट जबकि बर्ड्स में जो आर हैं वो कैसे हैं न्यूक्लिएटेड आर कैसे हैं न्यूक्लिएटेड सो दीज वर सर्टन डिफरेंसेस और दीज वर सर्टन फीचर्स

नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड किस पे था हमने देखा था आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड था कन्वर्जेंस पे बेस्ड था जबकि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड है होमोलॉजी पे बेस्ड है वॉट इज होमोलॉजी होमोलॉजी इज द रिलेशनशिप बिटवीन द कम्पेरेबल कैरेक्टर्स जिन कैरेक्टर्स को हम कंपेयर कर सकते हैं उन कैरेक्टरिस्टिक्स के बीच में रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं और ये कैसे कैरेक्टर्स हैं ये वो कैरेक्टर्स हैं जो हमने इनहेरिट किए हैं या फिर उपटेन किए हैं फ्रॉम कॉमन फॉर्म्स हमारे जो कॉमन एनसेस्टर्स हैं उनसे हमने अचीव किए हैं अब होमोलॉजी देख लेते हैं कैसे कुछ लैंड वर्टिब्रेट्स हैं जैसे कि ह्यूमंस हैं, हॉर्सेस हैं, फिशेस एंड बर्ड्स ये कुछ लैंड वाटर ब्रिड्स है इनमें लिम के डेवलपमेंट देख लेते हैं ह्यूमन्स में जो लिम्स होते हैं वो किसके काम आते हैं फॉर ग्रेसपिंग पकड़ने के काम आते हैं राइट right? किसके काम आते हैं ग्रेस करने के जबकि हॉर्सेज में जो उनके लिम्स होते हैं वो किसके काम आते हैं फॉर रनिंग राइट फिशेज में जो लिम्स होते हैं विच हैव बीन डेवलप्ड इन टू फिंस विच हैव बीन डेवलप्ड इन टू फिन्स वो किस काम आते हैं टू स्विम राइट एंड बर्ड्स में विंग्स होते हैं फेदर्स होते हैं फेदर्स एंड विंग्स मेजरली विंग्स किसके काम आते हैं फॉर फ्लाइंग तो इनका फंक्शन भी चेंज हो गया इनका फॉर्म भी चेंज हो गया राइट right? बट किस कैरेक्टर की हम बात कर रहे हैं फोर आर्म की बात कर रहे हैं ये सारे क्या हैं इन ऑर्गेनिज़म्स में फोर आम हैं और फोर आर्म हमारा एक कंपेरेबल कैरेक्टर है जो हमने इन सारे ऑर्गेनिज़म्स में पढ़ा और देखा कि कैसे वो डिफरेंटली डेवलप हुए हैं और कैसे वो डिफरेंट फंक्शन करते हैं राइट नेक्स्ट वॉट नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड अपॉन इज मॉलिकुलर होमोलॉजी वी स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन कंपेरेबल मॉलिक्यूल्स फॉर एग्जाम्पल डी एन ए प्रोटीन एंड आर एन ए इनके बीच का रिलेशनशिप और सिमिलैरिटी हम देखते हैं और ऑर्गेनिजम्स को सेग्रीगेट करते हैं डी एन ए आर एन ए एंड प्रोटीन ये कौन से मॉलिक्यूल्स हैं हमारे ये हमारे मॉलिक्यूल्स हैं जो इन सारे ऑर्गेनिज़म्स में हमें मिलेंगे बट इनकी सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी के बेसिस पे हम ग्रुपिज्म कर सकते हैं या फिर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं इसे हम बोलते हैं मोलिकुलर होमोलॉजी राइट क्या बोलते हैं मोलिक्युलर होमोलॉजी अब एक तरीके का और क्लासिफिकेशन हम यूज़ कर सकते हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि कुछ ऑर्गेनिज़म्स में कुछ सर्टन स्पेसिफिक बायोकेमिकल्स भी मिलते हैं जैसे कि इवन सर्टन बायोकेमिकल्स अक्रिंग इन स्पेसिफिक ग्रुप्स आर ऑल्सो यूज फॉर क्लासिफिकेशन फ़ॉर एग्जाम्पल बीट रूट में एक केमिकल प्रेजेंट होता है बायोकेमिकल प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं बीटा साइनिन राइट एंड ऐसे ही बीट रूट से रिलेटेड प्लांट्स में भी ये बायोकेमिकल हमें मिलता है व्हेन वी यूज़ अ बायोकेमिकल फॉर द पर्पज ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इसे हम कहते हैं कीमोटैक्सोनोमी जब हम किसी प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ बायोकेमिकल को यूज़ करते हैं एक ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन पढ़ने में तो ऐसी स्टडी को हम कहते हैं कीमोटैक्सो राइट। सो नेक्स्ट सो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हमने देखा दैट देर वर ऑल द ड्रॉबैक्स दैट वर प्रेजेंट इन दर्टिफिशल क्लासीफिकेशन देर रिजोल्व राइट देर ऑल रिजोल्व सो कोर्स आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से बेटर हुआ नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासीफिकेशन ओके नाउ वी कम टू अनादर सिस्टम ऑफ क्लासीफिकेशन जिसको हम बोलते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासीफिकेशन अब दिमाग चलाएंगे हम अपना और हम देखेंगे जो टर्म हारा है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन उसमें फाइलोजेनेटिक फाइलोजेनेटिक किस चीज़ को रेफर करता है? रेफर करता करता है है किसको एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को रेफर करता है ठीक है अब एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स जब हम पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में ये आएगा भाई तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया तो चार्ल्स डाविन की बुक थी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन उस बुक में से ये फाइलोजेनेटिक का या फिर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट ओपटेन किया गया था ठीक है कौन सी बुक थी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एंड किसने लिखी थी ये चार्ल्स डाविन ने लिखी थी उनकी बुक में से ये हमने कॉन्सेप्ट उठाया ठीक है अब जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था ये क्या दिखाता है हमें ये हमें दिखाता है कि ऑर्गेनिजम्स कैसे नेचुरल रिलेशनशिप्स को शेयर करते हैं राइट right? कैसे इट रिफ्लेक्ट्स ट्रू नेचुरल रिलेशनशिप अमंग दी ऑर्गेनिजम्स और इसका बेसिस क्या है स्टडी करने का जो मेजर सोर्स है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को स्टडी करने का वो है फॉसिल रिकॉर्ड्स, फॉसिल्स ठीक है अब इसमें एक क्लासिफिकेशन आता है जिसमें कौन से साइंटिस्ट थे एंगलर एंड प्रांटल इन्होंने क्या किया इन्होंने फ्लारिंग प्लांट्स को किनको फ्लारिंग प्लांट्स को क्लासिफाई किया

सेग्रीगेट कर दिया ठीक है और उन्होंने क्या देखा या कैसे उन्होंने सेग्रीगेट किया तो उन्होंने देखा कि कुछ प्लांट्स में देर वॉज एबसेंस ऑफ वर्ल्स, जो वर्ल्स होते हैं जो राउंड्स हमें मिलते हैं ऑफ पेटल्स ऑफ सेपल्स इन द फ्लावर्स उसके बेसिस पे उन्होंने प्लांट्स को सेग्रीगेट कर दिया राइट फिर उन्होंने देखा प्रेजेंस ऑफ वन और टू और मोर वर्ल्स इस बेसिस पे उन्होंने प्लांट्स को सेग्रीगेट कर दिया फ्लारिंग प्लांट्स को सेग्रीगेट कर दिया फिर उन्होंने देखा वेदर द दे प्लांट वॉज बाई सेक्शुअल और नॉट राइट कि उसमें दोनों सेक्स ऑर्गन्स मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट थे या नहीं प्रेजेंट थे इस बेसिस पे भी उन्होंने फ्लारिंग प्लांट्स को सेग्रीगेट कर दिया ठीक है ये कुछ सेग्रीगेशन ये एक तरीके का क्लासिफिकेशन था जो एंग्लर एंड प्ला ने फाइलोजेनेटिक सिस्टम को यूज करते हुए दिया था ठीक है अब हम इसके कुछ ड्रॉबैक्स देख लेते हैं वाई वी हैवेंट हर्ड अबाउट दिस फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन या फिर इसको आगे क्यों नहीं बढ़ाया गया अगर आप देखें तो हमें फॉसिल रिकॉर्ड्स मिलना किसी भी ऑर्गेनिज्म के फॉसिल्स मिलना बहुत मुश्किल होता है अगर वो मिलते भी हैं तो या तो वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होते और अगर वो डेवलप भी होते हैं तो वो सन के एक्सपोजर से हीट के एक्सपोजर से या वाटर या किसी पीएच की वजह से या कोई एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और वो हाफ आधे अधूरे हमें मिलते हैं सो उससे स्टडी करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट राइट सो फॉसल रिकॉर्ड्स आर डिफ़िकल्ट टू ऑब्टेन बहुत मुश्किल हो जाता है हमें इनको ढूंढना दूसरी चीज़ ये थी ऐसे ऑर्गेनिजम्स मिलने लग गए थे जिनमें दोनों तरीके के फीचर्स थे प्रिमिटिव फीचर्स भी थे एंड एडवांस्ड फीचर्स भी थे तो उनको हायरिकली अरेंज करना वाज वेरी कॉम्प्लिकेटेड थर्डली दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हैड वेरी लेस प्रैक्टिकलिटी बिकॉज फाइंडिंग फॉसल रिकॉर्ड वॉज नॉट ईजी फॉसल रिकॉर्ड्स ढूंढना हमारे लिए बहुत मुश्किल था राइट एंड देर टू थिंग फर्स्ट पॉइंट मोनोकॉट्स जो थे हमारे उनको फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के हिसाब से डाइकॉट से प्रिमेटिव माना गया बिकॉज ऑफ दिस फायलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासीफिकेशन वॉज रिजेक्टेड अनदर पॉइंट वॉज दैट इट वॉज कंसिडर्ड जो एनजियोस्पर्म्स थे

और जबकि बहुत सारे बॉटनिस्ट्स ये क्लेम करते हैं कि जो एनजियोस्पम्स थे देवर पॉलीफाइलेटिक मतलब उनके बहुत सारे एनसिसटर्स थे दे डोंट बिलोंग टू सिंगल कॉमन एनसिसटर रादर दे हैड मल्टीपल कॉमन एनसिस्टर्स तो इन दो ब्लंडर्स की वजह से भी फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन रिजेक्ट हो गया था ठीक है so out of all three which is the best system of classification the most practical and the most studied one was the natural system of classification because it studied both internal and external features it also displayed evolutionary relationship between the organism also the characters studied were constant right plus it was based on homology ऑल्सो मोलिकुलर होमोलॉजी कीमोटेक्सोनोमी बायो केमिस्ट्री राइट सो दैट्स वाई नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासीफिकेशन वॉज द मोस्ट प्रेफर्ड वन तो मैं अब सोचती हूँ इतनी सारी स्टोरी सुनने के बाद में हमारे को बायोलॉजिकल क्लासिफ़िकेशन का बेसिस क्लियर हो जाना चाहिए ठीक है और हमें यह भी समझ आ जाना चाहिए कि कौन से सिस्टम ऑफ़ क्लासिफिकेशन को क्यों रिजेक्ट किया गया क्योंकि जब हम उनके पॉइंट्स पढ़ लेंगे कि इसको किस बेसिस पे बनाया गया तो उनके रिजेक्शन्स पढ़ना या उनके ड्रॉबैक्स पढ़ना डीमेरिट्स पढ़ना याद करना उनको बहुत आसान हो जाएगा और जब आप एक सिस्टम को याद कर लोगे तो उसी बेसिस पे आप सारे सिस्टम आप याद कर सकते हो राइट सो आई होप नाउ दिस चैप्टर इज़ क्लियर टू यू एंड इन दी फर्दर क्लासेस हम ये पढ़ेंगे कि किस किस साइंटिस्ट ने कैसे कैसे क्लासिफिकेशन दिए वी विल स्टडी अबाउट एरिस्टोटल्स क्लासिफिकेशन टू किंगडम थ्री किंगडम फोर किंगडम फाइव किंगडम एंड सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन तो अब मैं आपको वहां मिलूंगी तब तक ले थैंक यू सो मच